सकते हैं। अभी बवाल हो जाएगा वीडियो, लोग प्यार देंगे बहुत ज्यादा। बउओ हेने अब समझे साहब 45,000 ले ले बड़न मुकार के बड़का लन पूछ के अब। जब मकई में हमरा के छोड़बे ना कइल तो तोरा के कहां से छोड़ दी। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मैं पटना पहुंच चुका हूं और रात का सीन नहीं दिखा पाया इसलिए सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। तो गाइस मैं अभी गांधी मैदान के पास हूं और नहा धोवा भी लिया। तो गाइस अभी जाएंगे हम पाटलिपुत्र स्टेशन, वहां से मुजफ्फरपुर के ट्रेन पकड़ेंगे, फिर आगे चलते हैं गाइस। तो मेरे साथ बने रहिए आप। हम लोग ने अभी टिकट कटवा लिया, जो 11:35 में हम लोग का ट्रेन है, लगभग 1 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचाएगा। तो गाइस चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। साहेबगंज आ चुके हैं और अभी मनी मिराज भैया के शॉप पे गए थे, तो उनके बड़े भैया ने बोले कि अभी वो शूट पे गए हैं तो आधा घंटा बाद आएंगे। तो अभी चलते हैं उनके घर पे, घर दिखाते हैं उनका घर कैसा है गाइस। भैया मैंने मिराज को कौन कर दिया, बोला कौन बोला घर आगे है, घर आगे क्यों उधर है, कहां घर आगे उत्तर में है, यही रास्ता से जाएगा, उधर से जाना पड़ेगा, इधर से स्ट्रेट। भैया बोले कि गुमटी है ना, गुमटी के पास ही होगा ऐसे बोले थे। ये गुमटी है, वहीं पे घर है। तब हाँ ये गुमटी बोले कि रोड पे जाइएगा तो साइड में गुमटी होगा, तो वहीं पे घर है ऐसे बोले। सब जो है घर में भाई दुकान है, मम्मी दुकान है, उन्हीं का है, आप उनके मम्मी है। तो मनी मिराज भैया कहाँ गए अभी आंटी, वो ऑफिस में गया होगा नहीं, ऑफिस में गए थे तो वहाँ पे बंद था उनका। हाँ लोग अपना दूसरा काम में लगे हुए हैं। ओ बारात उरात जाए वाला बात रंजन के भाई के वही बारात उरात होगा। गाइस उनकी मम्मी से मैंने पूछा कि वो कहाँ गए, उन्होंने बोला कि किसी दोस्त के शादी में जाना है। तो पता नहीं गाइस आज मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते उनसे। देख सकते हैं कि आगे का लुक कितना अच्छा है और पीछे एक केला का पेड़ है गाइस, और कबूतर सारे भी बैठे हैं ऊपर नीचे। तो देखते हैं गाइस घर में कोई होंगे तो बात करते हैं उनसे। चाचू के मामू हैं, चाचू है कि मामू हाँ? कौन नहीं घर, वो घर में कोई है कि नहीं, शूट में गए हैं। आप उनके कौन हैं? अच्छा अच्छा देवर का फिलोग। तो आप बताएंगे आंटी कि वो मतलब शुरू से ही वीडियो में उनका इंटरेस्ट था, उनका स्वभाव कैसा है? ठीक अच्छा अच्छा। हम लोग आए हैं झारखंड से मिलने के लिए, तो पता चला कि आप लोग शूट पे गए थे, तो क्या शूट ओवर हुआ? नहीं नहीं शूट नहीं, शूट, 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 शूट हो गया है, अभी बाकी है, अभी नेक्स्ट टाइम से होगा शूट। जी तो मैंने मिराज दिया था, अभी मिराज दिया नहीं है, गए घर पर तो बोले कि यहीं पे मिलने के लिए, थोड़ा बिजी है, बिजी ना थोड़ा, हम लोग कहीं गए होंगे भाई, हमेशा हम लोग ऑफिस में थोड़ी ना रहते हैं। तो भैया अभी क्या आप अपने शूट के बारे में कुछ, कौन सा वीडियो अभी आने वाला, अभी आने वाले वीडियो देखिएगा भैया, अभी कैसे बता सकते हैं, जैसे टाइटल तो बता सकते हैं ना, टाइटल कुछ देखिए, अभी हम लोग वीडियो बताएंगे नहीं, टाइटल हम लोग अभी शेयर नहीं कर सकते वीडियो। अच्छा बहुत जल्द आएगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। जी 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 क्योंकि अभी भूमि विवाद अभी मतलब डिमांड था, इतने छोटे छोटे हैं, मतलब हमेशा कोई भी सर्च करेंगे कार्टून से ज्यादा मैंने मिराज का वीडियो और उनके टीम वाले को, तो लाते तो उन लोग का ही मतलब डिमांड था, जैसे बोले कि भैया एक बार आप मैंने मिराज भैया उनके टीम से मिलाओ, टीम से मिलाओ, तो मतलब आए हुए हैं। तो भैया आप लोग कब से मतलब स्टार्टअप करे हैं? पहले तो हम लोग बहुत मतलब पहले टिकटॉक बनाते, पहले से हम लोग छोटे ऐप से काम कर रहे हैं। कितने साल से, तीन साल हो गया, भाई आप लोग भी साथ में टीम, सब हम लोग टिकटॉक से ही
मतलब पहले से बनाते हैं आप लोग ने शॉर्ट वीडियो जितना भी था ना ऐप अच्छा लाइक की वीगो टिकटॉक और बहुत ज्यादा मतलब भीम है। तो गाइस आपने खुद ही देखा कि मनी भैया लोग के ग्रुप से मैंने बात किया और उन्होंने बताया कि मनी भैया आज नहीं आ सकते क्योंकि वो शादी के शॉपिंग करने गए हैं, इस चलते नहीं आ सकते। तो गाइस आज हमको यहीं पे स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और आपको प्रॉमिस कर दिया तो मिलाना ही पड़ेगा गाइस, इस चलते हम रुकते हैं आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल तो मैंने नहीं मिल पाया मनी मिराज भैया से, तो देखते हैं आज क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि उनके बड़े भैया बोले कि वो तो शादी में जा चुके हैं तो हम लोग को रुकना पड़ा। तो बड़ी मुश्किलों के बाद एक होटल मिली गाइस यहाँ पे, तो उसी होटल में हूँ और जाते हैं। तो उनके छोटे भाई को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि भैया अभी सोए हैं, आप आ सकते हैं, अभी मिल जाएंगे आपसे। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, उनके घर निकलते हैं। एक और भैया आ चुके हैं मनी मिराज का, जो बहुत बड़ा फ़ैन है और उनके साथ काम करना चाहते हैं गाइस। वो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी अपना, और वो बोल रहे थे कि चलते हैं चाचा के पास, चाचा से मिलते हैं, बात करते हैं चाचा से। तो गाइस चलते हैं चाचा के पास, क्या बात है नहीं है, करते हैं उनसे चाचा से। गाइस आपने देखा होगा मनी मिराज भैया के वीडियो में कि जो मंगरू महतो होते हैं उनके घर पे अभी आए हैं गाइस। तो गाइस चाचा आ चुके हैं बाहर और बात करते हैं चाचा से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम अभी झगड़ू महतो से मिलने आ चुके हैं गाइस। आपने बहुत सारे कॉमेडी में देखे होंगे जो मनी मिराज भैया के वीडियो में काम करते हैं, बहुत लोगों को हंसाते भी हैं, तो उनसे बात करते हैं गाइस, आप जानते हैं उनके बारे में। तो चाचा आपका झगड़ू महतो रियल नाम है या मतलब रियल नाम आपका क्या है? देखिए झगड़ू महतो हमारा वीडियो में नाम है, लेकिन रियल नाम हमारा मोहम्मद रोजी है। अच्छा, हम लोग साहेबगंज प्रखंड से हैं। तो चाचा आपका झगड़ू महतो उस मतलब वीडियो में आपको क्यों नाम रखा गया, मजाकिया इस चलते रखा गया या कुछ और सोच के लिए रखा गया? उसमें हम लोग सोचे नहीं थे कि नाम इतना फेमस कर जाएगा। हाँ, उसमें नाम जो था माने छोटे जाति का नाम रखना था। हाँ, तो रख दिए नाम, मेरा जी बोले कि आपका नाम झगड़ू महतो। और चाचा आप मेरे गांव में इतना फेमस है ना, बच्चों के मुंह पे आपका नाम रहता है झगड़ू महतो झगड़ू महतो, तो आप लोगों को कैसा लगता है वो सब सुन के? देखिए बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को प्यार दुलार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अब मेरे घर में भी आपका बहुत बड़े बड़े मतलब फ़ैन है, भैया जो है ना मेरे बहुत आपके फ़ैन है, वो कहते हैं कि उनसे मिलना है, लेकिन उन्हीं के चलते हम आपसे मिलने आए चाचा। तो आपको हम लोग आते हैं तो आपको खुशी लगता है कि नहीं? बहुत खुशी लगता है। देखिए हम आपको बहुत और टाइम दे सकते थे, लेकिन बहुत रात परेशानी था, अब बारात हम नहीं जाएंगे कहीं, फिर कॉल पट नहीं बारात जाना है, लेकिन हमने बहुत परेशानी हो। क्यों चाचा, बारात में क्या परेशानी? परेशानी होता है, लोग भीड़ लगा देता है, दिक्कत हो जाता है, रात में बहुत ज़्यादा भीड़ लगे होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत। अभी देखिए अभी जैसे कि रास्ता बहुत जाम था पुल पर पटना, हम लोग 3 घंटा उसी में फंस गए थे। एक भैया वीडियो दिखा रहे थे उसमें बहुत सारे लोग मतलब फोटो खींच रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वही तो पटना जो गए थे, इसके बाद अब बारात हम अब जाना छोड़ देंगे। जैसे चाचा कोई और अलग डायलॉग बोल सकते हैं, जैसे कि उसमें जो आपका जो नया डायलॉग? अच्छा ठीक है, हम बहन बराती वाला जो जिस वीडियो में हम फर्स्ट में जो काम किए हम वही डायलॉग आपको बोल देते हैं। बोलिए है नहीं, अब समदी साहब 45,000 ले बड़न के बड़का लोन पुछिया। ठीक है चाचा, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग से भी मिलकर हमको बहुत खुशी है। ठीक है, इसी तरह आप लोग हमको दुलार प्यार देते रहिए।